हेलो एवरीवन, चलिए आज मैं आप सबको आलू पराठा बनाना सिखाती हूँ। आज मैं आलू पराठा बनाऊँगी, वो इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। प्लीज़ आप मेरा सब वीडियो वॉच करें और लाइक करें प्लीज़। बेसिकली आज मैंने कुछ बताया नहीं कितना क्या डालना चाहिए। 5 पोटैटो के हिसाब से मैंने हर चीज़ डाला है, तो प्लीज़ मैं मीडियम साइज 5 पोटैटो यूज़ किया था, तो आप लोग भी पोटैटो के हिसाब से यूज़ कर लेना प्लीज़ दिस टाइम। फर्स्ट बॉइल द पोटैटो एंड फिल अप, के बाद मैश कर लेना है अच्छे से। उसके बाद ऑनियन लिया मैंने, रॉ ऑनियन यूज़ करना है, प्लस मुझे फ्राई ऑनियन भी यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूँ, बहुत टेस्टी होता है फ्राइड एंड कच्चा, दोनों अच्छा लगता है बहुत। मैंने पहले जीरा डाल दिया गर्म तेल में, उसके बाद जीरा जैसे थोड़ा क्रैक हो जाए फिर ऑनियन डालना है मुझे। ऑनियन को थोड़ा फ्राई करना है, फ्राई करते रहना है जब तक वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसको आगे का मसाला दिखा देती हूँ तब तक। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला है जो कि बहुत अच्छा होता है। बादशाह का चाट मसाला मैंने यूज़ किया है, बहुत टेस्टी होता है। चाट मसाला ज़रूर डालें आप आलू पराठा में। देखिए मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर गर्म मसाला डाला है एंड चाट मसाला आप देख ही रहे हैं मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। मैं अपना अनियन चेक कर लेती हूँ, अनियन भी मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी इसी ऑनियन को। अब मैं पूरा तेल नहीं डालना, ओके, इसको बस थोड़ा सा तेल यूज़ करना है। उसके बाद इसी में डाल के फिर उसे वापस मिला। उसके बाद मैंने चिल्ली पाउडर डाला है, क्यूमिन पाउडर डाला मैंने, सॉरी मेरा बेटी का साइड से आवाज़ आ रहा है, सॉरी। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया, देखे ब्लैक पेपर भी डाल दिया, ब्लैक पेपर। इसके बाद मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया, आमचूर पाउडर बहुत टेस्टी होता है। धनिया का पत्ती भी मैंने अभी ऐड करना है मुझे, तब तक थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लेना है, ठीक है। फिर मैंने चिल्ली, ग्रीन चिल्ली डाला, धनिया का पत्ती डाला, उसके बाद देखिए आप, ज़्यादा आपको धनिया का पत्ती यूज़ करना है। धनिया का पत्ती से क्या है ना, टेस्टी होता है। वैन आप मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइम मैंने थोड़ा सा सिंपल बनाया तो मिर्च डाला नहीं है। एंड ऑल्सो अनारदाना पाउडर भी आप यूज़ कर सकती हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि इस बार मेरी बेटी को खाना है, फिर थोड़ा सा मुँह में आता है ना तो फिर क्रंची होती है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। सो देखिए आप, मैंने सारा धनिया का पत्ती मैंने डाल दिया इसमें ना। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है आप सबको। देखिए मैं अच्छे से सारा चीज़ मिला लिया, उसके बाद उसके बाद मैंने रेड चिल्ली डाला है, रेड चिल्ली में जो क्रश्ड होता है ना वो वाले थोड़ा डाला। फिर थोड़ा मैंने और चाट मसाला ऐड किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कमी लगी थी चाट मसाला की ना, तो और फिर से मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसमें से थोड़ा लेमन जूस यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, अच्छा होता है इसमें से ना, टेस्टी होता है। फिर से सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है अच्छे से। और मुझे सॉल्ट की कमी लगी तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया, ब्लैक सॉल्ट भी डालो ना तो अच्छा होता है। देखिए मैंने सारी चीज़ों को, देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया, अच्छे से सारी चीज़ों को मिला के मैंने इसको बॉल बना के अब कवर करके रख दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा बॉल, मैंने 5 पोटैटो यूज़ किया था इसमें, तो इसमें से 12। अब नेक्स्ट स्टेप, मुझे आटा लेना है, आटा अच्छे से गूँथ लेना है। थोड़ा सा मैंने आटे में जो है नमक डाल दिया है एंड हो सके तो आप तेल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, पर तेल डालने से मेरे से फिर रोटी नहीं बेलता अच्छे से ना। अब मैंने इसको अच्छे से हाथ से गूँथ लिया है, गूँथ के मैंने अच्छे से इसको लाइक रेस्ट में डाल देना है थोड़ी देर। फिर अच्छे से मैंने बॉल बना लिया थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, देखिए मैंने सारे को अच्छे से बॉल बना लिया। इसमें आप आटे के साथ ऑल पर्पज़ आटा भी मिला सकती है और भी टेस्टी होता है ना, लेकिन मेरे हस्बैंड उतना खाते नहीं, उनको हेल्थी खाना होता है ना। देखिए अब मैंने इसको छोटा सा बना के फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया, उसके बाद इसको अच्छे से रैप कर लेना है। आप डबल रोटी में भी बना सकती हैं, बट मैंने इसको देखिए रैप कर लिया अच्छे से। रैप करने के बाद इसका मुंह को अच्छे से बंद कर देना है ताकि पोटैटो ना निकले। उसके बाद मैंने इसको आटा लगा के फिर मैंने रोटी बेल लेना है जैसे रेगुलर रोटी बेलना होता है। फिर जैसे तवा गर्म हो जाए तवे में अब मुझे अच्छे से इसको पका लेना है पराठा को, ताकि कच्चा ना रहे। गैस के फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम में डाल दिया। अब इसको स्लो में थोड़ा कुक करूँगी, स्लो कुक करो ना तो अच्छा थोड़ा रहता है, कच्चा नहीं होता है ना। तो देखिए मैं अच्छे से इसको कुक कर रही हूँ। थोड़ा कच्चा है तो मुझे और पकाते जाना है, फिर मैंने इसको उलट देना है।
देखिए मैं इसको कैसे पका रही हूँ, आप देख ही रहे हैं वीडियो। और जो मेरा रेस्ट ऑफ तेल बचे हुए थे ना वो अनियन का, उसी को मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया। मैंने बोला चलो अच्छा होता है, यूज़ कर लो, आपका मर्ज़ी, आपको अगर ना यूज़ करना है तो मत करें। आप देखिए मेरा अदर साइड ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, हमें इसको अच्छे से कुक करना है। और मुझे तेल की ज़रूरत थी, उसी में मुझे इनफ तेल थे तो बस से मेरे लिए इतना तेल ना। इसको अच्छे से स्लो में कुक करते जाना है, साइड साइड पर थोड़ा सा उसको स्पून चम्मच से दबाना है ताकि फिर जो है ना साइड से अच्छे से कुक हो जाए। देखिए मेरा पराठा ऑलमोस्ट पकने वाला है, मेरी बेटी लाइन पे लगी हुई है, मम्मा मुझे पराठा दो कब मिलेगा पराठा। तो देखें कैसे कुक हो रहा है स्लो स्लो, इसको अच्छे से कुक करना है ताकि कच्चा ना रहे ना। वाला मेरा पराठा ऑलमोस्ट कुक हो गया, अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। जो मेरी बेटी लेके भागने वाली है, जो मुझे फ़ोटो भी नहीं खींचने देना इसको, मुझे पता है, बट एनी वे मैं दूसरा पराठा खींच के फिर मैं फ़ोटो ऐड कर लूँ। फिर मेरा सेकंड पराठा मैंने डाल दिया, देखिए जैसे अच्छे से फूल रही है। किसको भूख लगी है, सुना है कि अगर पराठा फूले तो भूख लगी होती है बहुत। देखिए मेरा ये भी पराठा ऑलमोस्ट मेरा पक ही रहे, अब ये भी मैंने प्लेट में निकाल दिया पराठा। अब नेक्स्ट मैंने फिर और एक पराठा बेल के फिर और एक मैंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से सारे पराठा आपको फिनिश कर देना है। सारे पराठा मेरा बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।